ओए चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है, चलो चलो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अभी मैं हूँ ऋषिकेश में और यहाँ पर बारिश काफ़ी हुई, इसके असर एम में बना हुआ है। और ये है राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ पर जो है राजा जी टाइगर रिजर्व की सफारी होती है। और अभी बारिश जो है वो काफ़ी हुई थी, थोड़ा सा बंद हुआ है। ये जो एरिया है वो पूरा टाइगर रिजर्व एरिया है, राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर अभी आप देखने के क्या मिला, इसमें बहुत सारे जो है चीतल और हिरन मिक्स हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर चीतल और हिरन दोनों देखे हुए थे। तो आप देखें कितने ज़्यादा, मैं आपको दिखा दूँ, जब हम रोड के साइड में खड़े थे क्योंकि सटल नहीं दिखा था, मैं बहुत सारा पूरा झुंड है। मतलब कि आप देखिए, इधर जो है चीतल है और इसकी दूसरी साइड जो है वो हिरन है। अभी ये लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि बारिश फिर से तेज़ हो चुकी है, तो लोग शायद वापस जा रहे हैं। और पूरा बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना सटल नहीं दिखा था, हम जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो बारिश देखा, बहुत तेज़ बारिश फिर से पड़ने लगी है और बारिश जो है कंटिन्यू हो रही है ऋषिकेश में। और इधर जो है ये, इसमें आप देखिए सामने वाला जो है वो हिरन है, और बाकी जो है शायद हो सकते हैं हिरन के बच्चे हो, पर चीतल जैसा लग रहे हैं। बट सामने जो खड़ा था वो हिरन था, और ये शायद चीतल नहीं है। और क्योंकि चीतल और हिरन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बागरिंग डियर जैसा कहते हैं, सॉरी स्पॉटेड डियर जैसे बोलते हैं उसे, चीतल बोलते हैं हिंदी में, वैसे स्पॉटेड डियर जिसे हम बोलते हैं, डियर की ही ब्रीड होती है। मौसम जो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, और बारिश देखिए आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है अभी, काफ़ी यहाँ पर है इस टाइम। ये देखिए रास्ता है, ये आप देखिए कंटिन्यू बारिश, जो हरिद्वार और ऋषिकेश में कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा में पानी भर चुका है। और ये रास्ता जो है हरिद्वार का जो बैराज वाला रास्ता है वो है, और अभी जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। लोग बाइक लेके जा रहे हैं, खैर हमें भी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि 35 किलोमीटर हम पीछे जा नहीं सकते, तो बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे बहुत होते हैं। तो यहाँ से जो पीछे से सपोर्ट करेंगे चार पाँच लोग हैं, और एक एक करके हम स्कूटी निकालेंगे। अभी तो खैर हमारी जा रही है यहाँ से, उसके बाद हम बाकी इनके निकालेंगे। इधर इधर कट, अंदर को आठ, अंदर को अंदर, ओए रस्सी मत करे, बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ। अभी यहाँ पर बारिश जो है बहुत तेज़ है, अब फ्लो देखिए कितना है, लोग बीच में से बहुत कम। चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है, चलो चलो। चलते रहो, चलते रहो, बहुत बढ़िया। अपनी तो यार तीनों गाड़ी, एक दो तीन गाड़ियाँ जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से। बारिश का जो पानी है ना फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अपनी गाड़ियाँ तो हमने तीनों ने निकाल दी एक दूसरे की हेल्प करके। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इतना दूर से आएँगे ऋषिकेश से और 35 किलोमीटर के बाद आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा बारिश में। और ये हरिद्वार है तो आप एक तरीके से बोलते फंस जाएंगे बीचों बीच में। वहाँ मैं दिखाऊँ, हिरन भी शायद फंस गए सामने में, दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, ये भी जो है पानी का जो फ्लो तेज़ होने की वजह से ये भी यहाँ पे फंस चुके हैं। अभी आप देखिए, क्योंकि लोग जो हैं वो साइड ही हैं, बाकी जो है वो साइड ही हैं अभी, और आने लगे क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ बारिश के बाद। देखिए गाड़ी भी जो बैक होके जा रही है यहाँ से, गाड़ी का बहुत ज़्यादा भाई, बहुत बहुत। और ये जो है आपका
पूरा जी दादाजी नेशनल पार्क का जो जंगल है वो पूरा है, और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। चलिए खैर चलते हैं यहाँ से।